तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडवांस्ड इंग्लिश के नेक्स्ट पार्ट पर पहुंच गए हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स हैं उनको कवर किया था, लेकिन आज के इस एडवांस इंग्लिश के पार्ट में हम करने वाले हैं पैसिव वॉइस की वर्ब को कवर, जिनको आप अक्सर समझ नहीं पाते हो या फिर जिनको समझने में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, उन सभी वर्ब्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होगा, 100% में गारंटी लेता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैड टू बी, हैज टू बी, इज टू बी, हैव टू बी, वाज टू बी, नीड टू बी, नीडेड टू बी, इस तरह की जो वर्ब्स हैं और इनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेज बोलते हैं उनमें किस तरह से करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं इज, एम, आर, उसके बाद यदि हम लगाएं टू बी तो उसका क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए उसका सेंस निकलेगा किया जाना है। अब ये जो किया जाना है ये आपको आने वाले हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, हर वर्ब के स्ट्रक्चर में मिलेगा, लेकिन मेन बात है इसके सेंस को समझने की। इज, एम, आर, टू बी, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को किया जाना है लेकिन वो काम अभी हुआ नहीं है। ये जितने भी मैं आपको वर्ब बताऊंगा इनमें से कोई भी काम आपका हुआ नहीं होगा, इन सब को जो है किया जाना होगा किसी सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन यहां पर उस सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसे अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है इज, एम, आर, इसमें से किसी एक का। यदि कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको यूज करना पड़ेगा इज का, आई के साथ एम का, और बचे कुचे सब के साथ आर का। उसके बाद आपको लगाना है टू बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन आपकी थर्ड फॉर्म है, इसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और उसके बाद यदि आपका सेंटेंस पूरा नहीं होता है, कोई और जो है उसमें वर्ड बच जाता है, तो उसको आपको सबसे लास्ट में यानी कि ओडब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड्स में लिख देना है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कपड़े धोए जाने हैं। देखिए ये पैसिव में है इसलिए यहां पर क्या है, कपड़े धोए जाने हैं, लेकिन यहां पर कपड़ों को धोएगा कौन इसके बारे में नहीं बता, हमारा मेन फोकस है कपड़ों पर कि कपड़े धोए जाने हैं। मैंने अभी आपको इसका सेंस बताया था, कोई काम किया जाना है यानी कि कोई काम अभी हुआ नहीं है, वो काम करना अभी बाकी है। तो कपड़े धोए जाने हैं, तो कई बार हम वैसे ही नॉर्मली बोल देते हैं यार ये कपड़े भी धोए जाने हैं। तो ये जो नॉर्मली वाक्य होते हैं, कंपलसरी वाले नहीं, सिर्फ नॉर्मली वाले, यार मुझे वहां भी जाना है और कपड़े भी धोने हैं, तो जो नॉर्मली वाले वाक्य हैं उनमें आप यूज करेंगे इज, एम, आर प्लस टू बी का। कैसे बोलोगे, क्लॉथ आर टू बी वॉश्ड, तो वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। तो कपड़े धोए जाने हैं, तो इस तरह से किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाना है नॉर्मली, उस वाले सेंस में हम यूज करेंगे इज, एम, आर प्लस टू बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसे भेजा जाना है, कोई व्यक्ति है उसे यानी कि कोई लड़का है उसको भेजा जाना है। अब किसके द्वारा भेजा जाना है ये इसमें हमने नहीं बताया, तो कैसे बोलेंगे, ही इज टू बी सेंट, तो उसे भेजा जाना है किसी काम को करने के लिए, लेकिन किसके द्वारा भेजा जाना है ये नहीं बताया गया। यदि बताया जाता या फिर आप चाहते हैं कि आप उसे बताएं, तो आप क्या करोगे, जो ये सेंट है और वॉश्ड है इसके बाद बाय लगाकर उस व्यक्ति का नाम या फिर उसका जो भी बंदा है उसको लिख देना है। अब देखिए हम पैसिव को यूज ही क्यों करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्यों यूज करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट को ना दिखाएं, जो हमारे सामने वाला सेकंड पर्सन है, जब हम चाहते हैं कि भाई हम उसको ना दिखाएं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके द्वारा कोई काम किया जाना है, तो तब हम पैसिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कमरा साफ किया जाना है, अब किसके द्वारा किया जाना है ये नहीं पता, तो कैसे बोलेंगे, रूम इज टू बी क्लीन्ड, तो कमरा या फिर रूम जो है साफ किया जाना है। तो इस तरह से कोई काम किया जाना है उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे इज, एम, आर प्लस टू बी का। तो चलिए इसका जो पास्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसका जो पास्ट वाला सेंस है उसे और देखते हैं। इसके पास्ट वाले में आपको यूज करना है वाज, वर, उसके बाद टू बी का, मतलब किया जाना था, मतलब पास्ट में कोई काम किया जाना था किसी के द्वारा, पैसिव में बोलेंगे बिना सब्जेक्ट को दिखाए। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, फिर वाज वर आएगा, और उसके बाद टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अदर वर्ड्स आपके सबसे लास्ट में आएंगे। देखिए कैसे,
तुम्हें पकड़े जाना था या फिर तुम्हें पकड़ा जाना था, मतलब तुम्हारा पकड़े जाने का काम बाकी रह गया, बस तुम्हें ही और तुम ही और रह गए जिसे पकड़ा जाना था। तो हमें ये तो नहीं बताया कि पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना था या फिर किसी और के द्वारा पकड़ा जाना था, तो ये पैसिव में है, नहीं पता किसके द्वारा पकड़ा जाना था। जैसे कि मैं बोलने लगूं मेरा प्रमोशन किया जाना था, अब ये नॉर्मल सी बात है, मेरा प्रमोशन कौन करेगा, मेरा बॉस ही करेगा ना। तो इसी तरह से तुम्हें पकड़े जाना था या तुम्हें पकड़ा जाना था, तो यू वर टू बी कॉट, तो तुम्हें पकड़ा जाना था, इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट देखिए, उसे भेजा जाना था, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज टू बी सेंट, इस तरह से। ही सी इट और थर्ड पर्सन, इनके साथ आपको यूज करना है वाज का, और बाकी बचे कुचे सबके साथ यूज करना है वर का। नेक्स्ट देखिए, हमें पूछा जाना था, तो कैसे बोलोगे, वी वर टू बी आस्क्ड। अब देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में मिले तो मुझे पता है कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाएगी कि भाई किसको क्या करना था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो लिखा हुआ है यू ही वी, इनके ऊपर कोई कार्य किया जाना था किसी के द्वारा, ये समझना है आपको। जहां पर भी आपको इस तरह की सेंटेंस मिले और उसमें ये मिले यू ही वी, तो आपको याद रखना है इनके ऊपर कोई कार्य किया जाना था किसी के द्वारा। ऐसे जैसे तुम्हें पकड़ा जाना था, यू वर टू बी कॉट, तो मतलब किसी के द्वारा तुम्हें पकड़ा जाना था, यानी कि तुम्हारे ऊपर जो है एक्शन लिया जाना था, इस तरह से। उसे भेजा जाना था, ही वाज टू बी सेंट, यानी कि उसे भेजा जाना था, किसी व्यक्ति है जो ही है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसको भेजा जाना था। एक्शन इसके इसके ऊपर होगा ना कि इसके द्वारा होगा, इन सभी के ऊपर एक्शन होगा ना कि इनके द्वारा एक्शन होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके कुछ जो है प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल्स देता हूं मैं। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ये आपके मिक्स होंगे प्रेजेंट और पास्ट के, वीडियो को स्किप मत करना। इसके बाद मैं आपको और भी बताऊंगा, जैसे कि हैज टू बी, हैव टू बी, नीडेड टू बी, नीड टू बी। तो देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसको पढ़ा जाना है, कोई चीज है, कोई किताब है जिसको पढ़ा जाना है, तो कैसे बोलोगे, इट इज टू बी रीड। अब देखिए पढ़ना है उसे, पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ना है किसी चीज को, रीड करना है, इसलिए मैंने इसमें रीड लिख दिया, तो कैसे बोलोगे। नेक्स्ट देखिए, सीता को भेजा जाना था, ये पास्ट का है, ऊपर का प्रेजेंट का है, तो कैसे बोलोगे, सीता वाज टू बी सेंट, सीता को भेजा जाना था, यानी कि सीता के ऊपर कार्य किया जाना था। नेक्स्ट है, इसे लिखा जाना था या फिर इसे लिखा जाना है, तो कैसे बोलोगे, इट इज टू बी रिटर्न, इस तरह से, इट इज टू बी रिटर्न, इसे लिखा जाना है, इसे लिखा जाना था, इट वाज टू बी रिटर्न, इस तरह से। नेक्स्ट है, इनको खरीदा जाना था, तो कैसे बोलोगे, दीज वर टू बी बॉट, इनको खरीदा जाना था, दीज वर टू बी बॉट, इस तरह से बोलोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आप हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, कंप्लीट, आपको कोई भी बुक मार्केट में नहीं मिलेगी ऐसी जैसी बुक मैंने बनाई है, खुद हमने अपने हाथों से टाइप की है और अच्छे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हैज हैव प्लस टू बी, यदि हम हैज और हैव इनके साथ टू बी को जोड़ दें तो क्या सेंस निकलेगा। देखिए सेंस तो निकलेगा किया जाना है सेम, लेकिन ये जो सेंस होगा ये होगा आपका कंपल्सन वाला, यानी कि जिसमें आप कंपल्सन को दिखाएंगे, यानी कि आप ऐसे लगा लो कि मजबूरी को दिखाते हैं आप, जैसे जैसे आप हैज टू और हैव टू के स्ट्रक्चर बताते हैं ना ऐसे ही, लेकिन इसमें भी जो है कोई कार्य किसी और के द्वारा किया जाएगा क्योंकि ये पैसिव में है। देखिए किस तरह से, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स आ जाएंगे। अब जो आपका हैज और हैव, ये किस किस के साथ यूज होगा, हैज आपका यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और जो आपका हैव है वो आपका बाकी सबके साथ यूज होगा, और जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये है आपके ही सी इट और कोई पर्सन का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम, और वो सिंगुलर होना चाहिए। देखिए कैसे, उसे देखा जाना है, तो कैसे बोलोगे, ही हैज टू बी सीन। अब इसे हम इज से भी बना सकते हैं और हैज से भी बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये कंपल्सन है भाई, उसे भी देखा जाना है, आप वहां चले जाओ, उसके बाद उसे भी देखा जाना है, उसके पास भी जाना है, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट देखिए, इसे खाया जाना है, किसी के द्वारा कोई चीज है इसे भी खाया जाना, हम ऐसे बोल रहे हैं, तो कैसे बोलोगे, इट हैज टू बी ईटन, तो इसे भी खाया जाना है। नेक्स्ट देखिए, इनको बेचा जाना है, तो कैसे बोलोगे, दीज हैव टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना है। तो इस तरह से हैज और हैव के साथ टू बी का यूज हम कंपल्सन वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं,
जिसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब को जो है थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं और कार्य किसी और के द्वारा होगा, और जो आपको ये वर्ड्स दिखेंगे यहाँ पर ही सी इट दीज, इन सब के ऊपर कार्य होगा किसी और व्यक्ति के द्वारा, तो किसी और व्यक्ति के द्वारा इनके ऊपर कार्य किया जाएगा, इस तरह का सेंस निकलेगा। तो हैज टू हैव टू प्लस टू बी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हैड टू बी, हैड टू बी आपका यूज होगा कंपल्सन के लिए, लेकिन ये होगा पास्ट के लिए, किया जाना था, इस वाले सेंस में पास्ट में किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाना था लेकिन वो जो कार्य है वो किसी और पर करवाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है हैड टू बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स आएंगे। अब देखिए कैसे आएंगे, उसे पकड़ा जाना था, अब ये हम इसे पास्ट में ले गए तो कैसे बोलेंगे, ही हैड टू बी कॉट, तो उसे पकड़ा जाना था इस तरह से। नेक्स्ट है इसे खाया जाना था, तो कोई चीज है जिसे खाया जाना था पास्ट में लेकिन वो कार्य अधूरा रह गया। मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये जो वाक्य है ये अधूरे रह जाते हैं और इनकी तड़पराहट को मिटाने के लिए हम इनको प्रेजेंट में बनाने की कोशिश करते हैं। इसे खाया जाना था, इट हैड टू बी ईटन। नेक्स्ट देखिए, इनको बेचा जाना था, तो कैसे बोलोगे, दीज हैड टू बी सोल्ड। अब ये जो आपका हैड है सबके साथ यूज होगा, चाहे इट है चाहे दीज है चाहे है कोई भी हो, सबके साथ आपको हैड का यूज करना है। तो हेड आपके समझ में आ गया होगा, तो कोई काम किया जाना था पास्ट में लेकिन कंपल्सन है भाई, वाजवर का भी यूज हो सकता है लेकिन वो नॉर्मली वाले वाक्य हैं, हेड का यूज होगा कंपल्सन वाले वाक्यों में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नीड टू बी, नीड टू बी का मतलब हम जब यूज करते हैं जब किसी काम को जरूरत है करने की, किसी चीज के द्वारा किसी काम को जरूरी किया जाना है, उस वाले सेंस में हम यूज करेंगे नीड टू बी। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर से कीच में से खेल कर आए हैं, आपके बच्चे हैं जो किसी गंदी नाली में गिर गए हैं और वो खेल कर आए, उनके कपड़े गंदे हो गए हैं और आप बोल रहे हैं कि इनके कपड़ों को वॉश करने की जरूरत है, यानी कि इनके कपड़ों को धोने की जरूरत है। अब मैंने इसमें ये नहीं बताया कि इनके कपड़ों को कौन धोएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इनको धोए जाने की जरूरत है, इनके कपड़ों को वॉश करने की जरूरत है। तो जब हम किसी चीज में हम जरूरत देखते हैं, भाई जरूरत है इस चीज में किसी चीज को करने की, तो उसमें हम नीड टू बी का यूज करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नीड या फिर नीड्स, यदि कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नीड्स, और उसके अलावा सबके साथ नीड, उसके बाद यूज करना है टू बी का, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से नीड टू बी का यूज करेंगे। देखिए कैसे, कपड़े धोए जाने हैं, तो कैसे बोलोगे, क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड, यानी कि कपड़ों को धोने की जरूरत है, कुछ ऐसा हम बोलना चाहते हैं। नीड का मतलब ही जरूरत होता है, जैसे कि आप नीड बचपन से ही पढ़ते आओ, नीड मतलब जरूरत, तो यहां पर भी किसी चीज को किए जाने की जरूरत है लेकिन ये पैसिव में हमने बनाया है। नेक्स्ट देखिए, उसे भेजा जाना है, तो कैसे बोलोगे, ही नीड्स टू बी सेंट। अब देखिए ऊपर मैंने यूज किया नीड और नीचे यूज किया नीड्स, क्योंकि उसे यानी कि ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है, और जो क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े बहुत ज्यादा हैं, वो प्लूरल में हैं, तो इसलिए हमने नीड का यूज किया। तो नीड, ही नीड्स टू बी सेंट, इस तरह से उसे भेजा जाना है। नेक्स्ट देखिए, कमरा साफ किया जाना है, तो कैसे बोलोगे, रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, यानी कि कमरे को साफ किया जाना है किसी के द्वारा, ये नहीं बताया गया किसके द्वारा कमरे को साफ किया जाना है लेकिन हमने बोला है कि भाई कमरे को साफ करना है, इस तरह से। तो रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, इस तरह से, यदि ज्यादा रूम है, एक से ज्यादा है, तो कैसे बोलोगे, रूम नीड टू बी क्लीन्ड, यहां पर से एस हट जाएगा। नेक्स्ट है नीडेड टू बी, नीडेड टू बी का मतलब है जरूरत है लेकिन किसी काम को किया जाना था पास्ट में, उस काम की जरूरत को बताने के लिए हम यूज करेंगे नीडेड टू बी का। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, नीडेड आ जाएगा, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे। देखिए कैसे, कपड़े धोए जाने थे, तो पास्ट की बात करें तो कैसे बोलेंगे, क्लॉथ्स नीडेड टू बी वॉश्ड, तो कपड़े धोए जाने थे, उस वाले सेंस में। उसे भेजा जाना था, ही नीडेड टू बी सेंट, इस तरह से। कमरा साफ किया जाना था, रूम नीडेड टू बी क्लीन्ड, तो कोई काम पास्ट में किया जाना था, नीडेड प्रेजेंट में करना है, उसमें करेंगे नीड का यूज। तो नीड और नीडेड भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं बहुत अच्छे से, इसको भेजा जाना है, इसको मैं सब तरह से बना के दिखाऊंगा। तो देखिए कैसे बनेगा, इट हैज टू बी सेंट, तो इसका मतलब यहां पर है कि इसको जो है हम कंपल्सन में दिखाना चाहते हैं, इसको भेजा जाना है। नेक्स्ट देखिए, इट हैड टू बी सेंट, ये पास्ट के लिए है, इसको भेजा जाना था इसके लिए। नेक्स्ट है
इट वॉज टू बी सेंट, ये भी पास्ट के लिए है, लेकिन ये है आपका नॉर्मल वाले सेंटेंसेज में, जब आप सेंटेंसेज को नॉर्मल बोलते हैं उस वाले सेंस में, इट वॉज टू बी सेंट, इट हैड टू बी सेंट कंपल्सन वाले सेंटेंसेज में। नेक्स्ट देखिए, इट नीड्स टू बी सेंट, प्रेजेंट का है तो इसको जो है भेजे जाने की जरूरत है, कुछ ऐसा सेंस इसमें निकलता है। नेक्स्ट देखिए, इट नीडेड टू बी सेंट, ये आपका पास्ट की तरफ इशारा करेगा कि भाई इसको क्या है भेजे जाने की जरूरत थी पास्ट में। तो इस तरह से मैंने एक ही को आपको सभी तरह से बना के दिखा दिया और सबके सेंस भी अलग अलग बताए हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे से ट्रांसलेट कर पाते हैं। उसे पढ़ाया जाना है, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो दोस्तों, वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको कुछ और जो है चाहिए, कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो एक अच्छा सा जो है कमेंट जरूर कीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।